नमस्कार, मेरा नाम गौर श्याम सिंह है और मेरा मिसेस का नाम है मिस पसोले सिंह। हम लोग आसाम का रहने वाला है। ये आपका एक साल पहले मेरा मिसेस का इतना ही प्रॉब्लम हो गया था, उसका सांस लेने में भी प्रॉब्लम था, उसके बाद में आपका खांसी जब आता था उसके ऊपर में जब ब्लीडिंग आता था, तो उसका इलाज में मैंने काफ़ी सारा जगह पर मैंने टेस्ट करवाई, चेक करवाई, इलाज करवाई, लेकिन इससे कोई हमको ये अच्छा ही आपको रिजल्ट नहीं मिला। पहले सिलसर से लेकर स्टार्ट करके गुवाहाटी से लेकर चेन्नई एप्लोड तक मैंने इसको ट्रीटमेंट करवाया। एक दिन अचानक मेरा एक दोस्त आइजोल में एक मिला था, उसका भी प्रॉब्लम सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसको लेके ये इधर आया था, डॉक्टर अरविंद कुमार सर से सर्जरी करवाया था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। वो हमको जस्ट एक हमको एक लाइन हमको डिस्कस किए थे, तो तुरंत मैं नेक्स्ट डे मैं बस फ्लाइट टिकट लेकर मिसेज को लेकर मैं फिर इधर आ गया। तो तब तक क्या होता है, मैं तो सर से भीख मांगा था, सर मेरा जस्ट हमको मिसेज का जो लाइफ जो है कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर तक का हमको लाइफ चाहिए था। तो सर ने हंस हंस के बताया था ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे, 99% आपको सक्सेस होने की उम्मीद है, 1% ये गॉड के पास में छोड़ दो। मिसेस पसोले सिंह हमारे पास ओपीडी में आई थी, उनको ब्लड में खून आ रहा था काफ़ी टाइम से, और वो असम में और असम के बाहर बहुत जगह दिखा चुकी थी और बार बार उनको दवाएं दी जाती थी जिससे उनकी प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही थी। हमने जब उनका सीटी स्कैन स्टडी किया तो पता लगा कि जो लेफ्ट साइड का लंग का जो अपर हिस्सा होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग लिंगुला कहते हैं, वो लेफ्ट लंग के अपर लोब का एक पार्ट है, उसके अंदर इन्फेक्शन था जिससे वो पार्ट खराब हो गया था, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रोंकियेक्टेसिस कहते हैं, और वहीं से वो ब्लड बार बार आ रहा था। और वो एंटीबायोटिक से उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो ब्रोंकियेक्टेसिस नॉर्मल लंग में नहीं कन्वर्ट होती, उस एरिया को निकालना होता है। बट उनको किसी ने ऐसा एडवाइस नहीं किया था, तो हमने उनको ऐसा एडवाइस किया और हम लोग इसको वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी या वैट्स, जिसमें ओपन नहीं करते चेस्ट को, छोटे छोटे कट से कर देते हैं, उससे हमने उनकी लिंगलेक्टमी यानी वो जो खराब पोर्शन था उसको निकाल दिया, और उसको निकालने से उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। उनका नवंबर 22 में ऑपरेशन हुआ था और अभी कुछ दिन पहले वो दिखाने आई थी, करीब 8-10 महीने के फॉलोअप के बाद, और वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी खांसी सेटल हो गई है, उनके खांसी में अब खून नहीं आता है, एंड शी इज बैक टू हर नॉर्मल लाइफ। तो ब्रोंकियेक्टेसिस में अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग यानी खांसी में खून आने की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो खराब ब्रोंकियेक्टेटिक सेगमेंट है उसको वैट्स सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी से निकालने से पेशेंट को परमानेंट क्योर मिल जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मैं अपना तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि ये जितना मैंने इम्प्रूवमेंट मिला, जैसे कि पकड़ो मेरा वाइफ का ये सेकेंड लाइफ है, मतलब ये अगर न्यू लाइफ है, यही सोच के मैं तो अभी उसको बस यही भगवान को उम्मीद करता हूँ। सर और मेरा जितना मेडंटा के मेरा जितना सर टीम है, सब दीपिका मैडम, हरभूषण सर, ये सबको भी मैं सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों को वजह से मेरा मिसेज का नया लाइफ मिला है।